मैंने पहना हुआ है. तो थैंक यू सो मच टी शर्ट की तारीफ करने के लिए. और कुछ आ रहा है दोस्तों, कुछ बना रहा हूँ डेफिनेटली अपनी जनता के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए. तो कुछ बढ़िया सा बनाऊंगा और डालूंगा यूट्यूब पे. तो वो बन रहा है, बहुत जल्दी आ जाएगा. तुम लोगों को पता है अपन गाना कितनी जल्दी बना के फेंक देते. डी आर जे सोहेल और को जल्दी से मैसेज डालना शुरू कर दो तुम लोग. फरहान है, स्पेक्ट्रा है, सबको मैसेज डालो. बोलना क्या है हुनर भाई का अगला गाना. आज नहीं यार, स्पैम कर दो सारे लोग को. तो डीआरजे मेरा भाई अगर सुन रहा है, नहीं सुन रहा तो भी मैं तेरे को फोन करके सुना दूंगा क्या करने का अपना. एक प्लान कर रहा हूँ ट्रिप कब, इटली का ट्रिप अभी नहीं बिल्कुल भी. अभी काम करना है थोड़ा, बहुत सारे काम प्लान थे पहले से, जाने से पहले उनको भी कंप्लीट करने. और इटली भी, तो इटली जब जाऊंगा तो ऑब्वियसली व्लॉग बनाऊंगा, बताऊंगा. इटली व्लॉग मैं नहीं बनाऊंगा, कोई और बनाएगा. बट हाँ, तो व्लॉग तो बनेगा इटली का, तो डेफिनेटली आप लोगों को पता चल जाएगा इटली जब भी जाऊंगा. लव फ्रॉम गुजरात. थैंक यू सना, थैंक यू. अभी मैं आप कमेंट्स में जो भी बात करना चाहते हो मैं डेफिनेटली सबको सुनना चाहूंगा. यावर भाई, मुनव्वर एक्स यावर, किसको चाहिए? अरे यावर भाई बनाएंगे भाई, काय को नहीं बनाएंगे. दिल्ली आऊंगा तो बैठते हैं, जैम करते. अस्सलाम वालेकुम मुन्ना भैया. ओ मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया. इग्नोर मनोज स्टार, नहीं कोई और. चलो बताओ ना, दे दो मौत. अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग जल्दी से मुझे पूछ लिया आपको क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या आपको बात करनी है, पूछना है. लव फ्रॉम मलाड. दे दो मौत. अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग जल्दी से मुझे पूछ लिया आपको क्या क्या क्वेश्चंस है, क्या क्या आपको बात करनी है, पूछना है. लव फ्रॉम मलाड. कैसे हो? मैं ठीक हूँ. अभी जा क्या क्या मैं अरे भाई इंटरनेट हक दिया भाई. हेलो हेलो दोस्तों, सॉरी यार इंटरनेट हक दिया भाई.
आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इतनी सारी पब्लिक थी भाई और मैं हक दिया। सॉरी सॉरी। हाँ सॉरी 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 दोस्तों, सॉरी दोस्तों, लाइव हग दिया मैंने, लिटरली इंटरनेट हग दिया मैंने, ठीक है ना। हाय दोस्तों, सो हाय दोस्तों, ऐसे ऐसे टैलेंट अपना लाइव ऐसे एंड करने का, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आन दो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देना चाहूँगा। आई नो आप लोगों को बहुत सारे सवाल है, तो आप लोग सब अपनी कमेंट में अपने सवाल डालिए, बातें डालिए, जो आप मुझे बताना चाहते डालिए, सवाल ज़रूरी नहीं है नहीं हो, आपकी बातें डालिए, मैं सुनने की और जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। आ जाओ मॉर्निंग मॉर्निंग वॉइस में बोलो। अरे यार नियति, क्या तेरी क्या अलग ही ठहरक है वॉइस की यार, मॉर्निंग वॉइस में कैसा बोलूँ शाम में रात में। मुनव्वर, हैव यू मिस स्टैंड अप एंड व्हेन यू आर बैक ऑन स्टेज? मैंने स्टैंड अप बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। और मैं मुंबई में अभी जो भी ओपन माइक इधर उधर उधर जो भी टुकड़े कहीं पे भी हो रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, मेरे को 5-5 मिनट 4-4 मिनट का स्टेज टाइम दो। मैंने कुछ नया मटेरियल्स लिखे, नए जोक लिखे, आई वॉन्ट टू ट्राई दैट ऑल्सो। तो डेफिनेटली मैं स्टेज को बहुत मिस कर रहा हूँ। और अभी जो भी मुंबई में जो भी अभी ओपन में, अभी शो तो कोई प्लान नहीं है, तो अभी किसी का भी शो होगा तो उनको मैसेज करके बोल दूंगा मेरे को ओपन करने दे दो या स्पॉट दे दो। तो बलराज भाई अगर सुन रहे हो तो भाई स्पॉट दे दिया। आईजी में डालना था वो लाइव, अब वो चला गया होगा। ट्रॉफी डोंगरी आ गई भाई, रूहानी दोसाई, रूहानी बेन कैम छो, रूहानी बहुत बहुत फनी, बहुत टैलेंटेड है, मस्त है यार बंदी। थैंक यू सो मच रूहानी भाई। गोरे ज्यादा हो गए अंदर रह गए। अरे भाई मेरा रैपर एमजे रैपर भाई, जबलपुर आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, सब जगह आएंगे। ट्रॉफी दिखाओ, ट्रॉफी भाई वो बहन के घर पे। स्टेज इज मिसिंग यू, यस बट आई एम मिसिंग स्टेज ऑल्सो। और क्या बातें बताओ। लव फ्रॉम पुणे, थैंक यू सो मच। श्रावणी कैसी है तू? मुंबई में हूँ, मिलो भाई। रूहानी यार इन मुंबई, ओ नाइस। रूहानी मैं आपको डीएम करता हूँ, मैं मुंबई पहुँचूँगा, उसके बीच में मुझे कल इंटरव्यूज है तो मैं बताता हूँ। हम थोड़ा देखते कुछ और एक रील बनाते बढ़िया वाली, रूहानी के साथ रील बनना तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। वो क्या एडिट करती है और क्या मस्त कोऑर्डिनेशन डांस करती है। तो रूहानी हम रील बनाएंगे बढ़िया वाली तुम्हारे स्टाइल में। तो यस मैं आपको डीएम करता हूँ रूहानी। हैदराबाद की पब्लिक मिसिंग यू, यार हैदराबाद से ज़्यादा मिस मैं किसको कर सकता हूँ, तुमको क्या लगता है? हैदराबाद का खाना, हैदराबाद की पब्लिक, हैदराबाद का चाय और उसका खारी डुबा के अपन खाते चार मीनार, हो मज़े आ गया। तो हैदराबाद भी आएंगे पब्लिक के पास, गुजरात का बाहर हो भाई, सब जो भी है जहाँ भी आ रहा हूँ मैं डेफिनेटली। हाउ इज योर जर्नी ऑन लॉकअप? लॉकअप अमेजिंग, बहुत बढ़िया और बहुत मज़ा आया, बहुत सारा प्यार मिला आप लोगों का, और क्या चाहिए यार। हाँ एक कड़क शेर हो जाए यार, शायरी सुना देता हूँ एक बढ़िया वाली तुम लोगों को, तुम लोग एकदम फट के हाथ में, नहीं सॉरी मजा आ जाए, मजा आ जाए, ठीक है। बढ़िया सी शायरी सुनाता हूँ। हाँ तो ये सुनो यार, बहुत पहले लिखी थी, बहुत प्यारी है। वो मुझे दूर करने की जिद लिए बैठा है, वो मुझे दूर करने की जिद लिए बैठा है, साथ चलना भी है। नहीं मैं थोड़ा इसको थोड़ा एक दो वर्ड प्रॉपरली आप ऐसा ऐसे लिख दो कमेंट्स में, स्पैम कर दो इरशाद, स्पैम कर दो इरशाद कमेंट में, मजा ही आ जाएगा। मंजिल, मंजिल का वादा कर बैठा है, इरशाद हो गया, चलो चलेगा, इरफान भी चलेगा, ठीक है। वो मुझे दूर करने की जिद लिए बैठा है, वो मुझे दूर करने की जिद लिए बैठा है, साथ चलना भी नहीं है फिर भी मंजिल का वादा कर बैठा है। वो मुझे दूर करने की जिद लिए बैठा है, साथ चलना नहीं है, मंजिल का वादा कर बैठा है। मुझे मोहब्बत है
मुझे मोहब्बत है समंदर की उन लहरों से, और मेरा महबूब पहाड़ों को दिल दिए बैठा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आ साइड में बबी है क्या? हेलो फरदीन, वाह 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 वाह, थैंक यू भाई। शुक्रिया बहुत बहुत। पब्लिक आने दो। मेरा भाई मोइन, मोइन आई एम रियली सॉरी मेरा भाई, मैं बहुत थोड़ा काम में हूँ। मैं तेरा मिस कॉल भी देखा और मैं तेरे को बोला भी कॉल करता हूँ, थोड़ा सुकून में बैठ जाऊँ फिर तेरे को बढ़िया सा वीडियो कॉल करता हूँ। मोइन मेरा भाई सॉरी, लव यू। सर हमको याद करो ना। अरे तुमको याद, तुम फैन पेज, तुम तो यार पगले लोग हो, तुम तो ऐसा कलेजे में हो मेरे। कलेजे के अंदर सारे फैन पेजेस ही है, बाकी सारे जो फैन है वो सब इधर उधर है, गले पे कोई इधर है कोई इधर है, कोई नसों में इधर, बट कलेजे पे तो तुम लोग ही हो सब। भाई मुमरा आओ ना प्लीज। हाँ मुमरा आता ना भाई, मस्त बढ़िया होगा। व्हाट अबाउट मी वसीम मेरा भाई, मेरे दुबई वसीम, दुबई बोलते थे इसको तो। वसीम मेरा भाई, मैं तेरे को भी करता हूँ। वसीम का भी फोन आया था, मैं तेरे से बात किया, बट भाई थोड़ा एकदम भागम भागी में, और यकीन मान मेरे फोन को जरा भी चैन की घड़ी ने, और बोलते ना पल की पल की पल का फुर्सत नहीं ने, पई की पैदाइश नहीं, घड़ी हाँ घड़ी की फुर्सत नहीं ना, पई की पैदाइश नहीं। तो ऐसा हो गया कि बहुत सारे काम थे तो वही बता रहा हूँ। आजमा, आजमा है क्या लाइफ? आजमा खाला, आजमा खाला, आजमा को लेते क्या? अपनी बदक को लाइव लेते क्या? बराबर बदक इन चैट। आय हाय, होना कुछ है नहीं ऐसा हो वैसे। मंदना मंदना, हाउ यू मंदना, हाउ यू? दोस्त दोस्त नारा, अरे ऐसा कुछ नहीं है। पुणे भी आ जाना, वो क्रेजी जनता घूमने सब समय है वो, तुम सब आज हम जाते हैं घूमने सब समय भाई तुम सब। यस यस, अली मर्चेंट भी है लाइफ, अली भाई भी है मेरे भाई, अली भाई। अच्छा चलो मैं लॉकअप के सारे उसके बारे में बात करता हूँ। मुझे पूछो किसके बारे में आप लोगों को जानना है, मैं सबके बारे में कुछ ना कुछ बताता हूँ। व्हाट आई फील एंड व्हाट आई वांट टू से, पायल को भी भेजो रिक्वेस्ट। पायल दोस्तों, आई वॉन्ट टू से दिस अबाउट पायल, अभी यहाँ पे दो तीन लोगों ने मैंशन भी किया, तो आई वॉन्ट टू से दिस के हाँ पायल, पायल को शो के हिसाब से जब देखा जाए तो आई विश हर डेफिनेटली कि उसे बहुत सारा काम मिले, बहुत बढ़िया काम मिले और वो अच्छे से करे। और रही बात वो जो बोल रही है इंटरनेट पे या जो भी है, वो एक उनका पता नहीं वो कैसे वे में क्या बोल रही है, आई नो हर, मैंने उसका जहाँ तक मुझे उस नेचर जानता हूँ, ताकि मुझे पता भी था कि बाहर आने पर शायद इस तरह की बातें करेगी। आई वॉज आई न्यू दिस, बट वट आई एम सेइंग इज जो भी मुनव्वर की जनता है, वॉरियर्स है, जो भी है, आप किसी को हेट मत भेजो, किसी को भी भेजना सही नहीं है। बट अगर पायल ऐसा कुछ बोल रही हो और अभी ज़्यादा उस पर नज़र भी है आप लोगों की, वो क्या रिएक्शन दे रही है, तो प्लीज़ डोंट सेंड अ हेट। उसकी कॉमेंट सेक्शन में गाली लिखना या गाली ना भी लिखना, बट कुछ ऐसा बुरा उसके लिए लिखना, आप अपना ओपिनियन रख सकते हो, बोल सकते हो, बट हेट मत भेजो बिल्कुल भी, ना डीएम में ना उसके पायल के कॉमेंट सेक्शन में। वो करके कोई कुछ हासिल नहीं है, और मैं पहले भी बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि आपको किसी का फ़ैन बनने के लिए, किसी का हेटर बनने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे फैंस हो और फॉलोअर्स हो, दोस्त हो, जो भी हो, बहुत ही करीबी हो, तो मैं आप लोगों को जानता हूँ कि आप बहुत प्यारे लोग हो, इसलिए मैं आप लोगों से ये करीबी भी हो तो मैं इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग समझोगे, तो आप लोग बस इस चीज़ का ख्याल को क्या किसी को हेट ना भेजो, किसी को भी, सब बहुत अच्छे लोग हैं, सही लोग हैं, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। फिर वो चाहे पायल हो या कोई भी हो, सारे कंपटीशन थे, वो गेम था, गेम खत्म हो गया, एवरीथिंग इज फाइन। मन्यूवर मन्यूवर बोलती थी मंदना, और बाकी बाकी का
अंजलि के बारे में बोलो, अंजलि अंजलि बहुत अच्छी लड़की है और अच्छी दोस्त, और हम लोग का बॉन्ड भी अच्छा था, हम लोग साथ में गेम भी बढ़िया से खेले, और बस ऑल द बेस्ट उसको भी बहुत सारा। ऑब्वियसली उसके पास बहुत काम है, वो बोलती थी कि मेरे 10-12 पंजाबी म्यूजिक वीडियो रिलीज होने वाले बड़े बड़े स्टार्स के साथ, तो शी इज़ ऑलरेडी विनर, विनर तो नहीं बोलेंगे बट शी इज़ ऑलरेडी गेन सो मच बिफोर द शो, तो डेफिनेटली उसके बाद भी बढ़िया काम वगैरह है। बापा नहीं, बापा भी मेरे कॉल का वेट कर रहे हैं। नहीं बापा, मैं बिल्कुल कॉल करता हूँ, मैं थोड़ा काम में ही हूँ। द स्वीटेस्ट स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट डिजर्विंग विनर, थैंक यू मंदना, थैंक यू। काश तुम्हारा ओपिनियन ये मेरे बारे में लॉकअप में भी होता, बट कोई बात नहीं, बाकी सब तो ठीक है। विनीत के बारे में दो शब्द। विनीत भाई को मैं क्या बोलता हूँ, संतरा किंग बोलता था, संतरा किंग, वो इतने संतरे छील छील के संतरे खाते रहते, एप्पल खाते रहते बस। विनीत भाई, विनीत भाई, विनीत भाई ऐसा लग रहा था कि प्रिंस भाई ट्रबल मेकर बन गए थे ना जो, और विनीत जो है ना वो लग रहा था कि टेबल है, ट्रबल भी नहीं, वो विनीत भाई टेबल लग रहा था कि टेबल रख दिया हमने लॉकअप के अंदर एक जगह पे, और वो टेबल कभी कभी उड़ जाता, कभी कभी टेबल में जान आ जाती है, और वॉक करता है, संतरा छीलता है, खाता और बैठ जाता। तो विनीत भाई ऐसे थे, लॉर्ड विनीत है भाई, तो वो उनका अंदाज तरीका है। मेरे को हंसी इसलिए आ रही है विनीत भाई पे, वो बोलते थे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, लिख के ले लो, मनोहर चोनी जीतेगा, चल 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 चल। विनीत भाई आई लव यू यार, विनीत भाई आई लव यू, लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी नहीं चो, बड़ी बड़ी नहीं चो, बड़ी बड़ी नहीं बातें करने। और अली, अली अली तो भाई इतना स्वीट बंदा है ना, कभी कभी लगता था अली तो यहाँ क्या कर रहा है, बट अली भी एक फ्लेवर था शो में, वेरी काम, वेरी कंपोज एंड वेरी, बहुत सोच तोल मोल के बोलने वाली बात करता था, तो अली बहुत अच्छा इंसान है नो डाउट। और आपको गिराने आए थे, हिला भी नहीं पाए। नहीं यार वो पूरा कंपटीशन था, सब लोग एक दूसरे के खिलाफ जब तक नहीं होंगे तो क्या ही होगा। उरुषा, वी वांट नाजिला ऑन लाइव, अच्छा तो जाओ उनको बोलो लाइव जाने। मेरे लाइव में कौन कौन है, मेरे लाइव में है कि नहीं, मुझे अभी तक मैसेज दिखाई नहीं दिया किसी का। विनीत को टिश्यूज भेजो, नहीं टिश्यू अली को भेजो। करणवीर भाई, करणवीर भाई तो यार बहुत बहुत ग्रेसफुल है यार वो, बहुत और बहुत बढ़िया एक्टर, और पहले 2-3-4 वीक तो मुझे भी लगता था कि यार बहुत बढ़िया है, कंपटीशन है, आगे जाके बढ़िया कंपटीशन है उनके साथ, बट फिर धीरे धीरे वो थोड़े ठंडे पड़ गए। अली मचन, विल यू वर्क विद पायल इन अ म्यूजिक वीडियो, विल आई वर्क विद द पायल इन अ म्यूजिक वीडियो, डेफिनेटली वो ऐसा होना चाहिए, वो म्यूजिक वीडियो किस बारे में, डेफिनेटली लाइक वो जस्टिफाई नहीं होगा ऐसा कि लाइक कपल है पायल और मुन्नावर, तो वो जस्टिस ही नहीं है ना, मतलब वो लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे ना उस वे में, बट डेफिनेटली कुछ डेफिनेटली मुझे पायल के साथ काम करने मिले तो मैं क्यों ना करूँ, और पायल काम को लेके तो बहुत सही है वो, जब भी उसको टास्क मिलता था ये शो को देखो, वो जो कंप्लीट करने की उसकी थी वो ऑब्वियसली अपना 100% देती थी काम में। वॉचिंग योर लाइव सर, मजा आ रहा है। क्रिस्टल, क्रिस्टल वेरी स्वीट, आप जब वहाँ पे आए थे लॉकअप में तब भी आपने बहुत स्वीटली और बहुत अच्छे से बात की थी, मैं पहली बार आपसे मिला था, और अभी भी आप जब पार्टी में मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच। और सभी लोग बहुत प्यारे, तो पहले पहले तो ऐसे ही होता, अभी मैं पार्टी में भी गया था ना, तो मैं जैसे वहाँ गया ना तो मेरे को सब लोग पकड़ लिए, एक ले रहे फोटो वोटो ले रहे, और मेरे को ऐसा लग रहा है अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं ऐसे कंट्रोल कैसे करूँ, अपने को इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है ना, अपने शो पे लोग आते थे पब्लिक शो पे ताली मारते थे भाई क्या फाड़ो ये वो, और फोटो खिंचा के जाते तो ऐसा लगता था यार ये तो अपना ऑडियंस है बराबर, अभी इतना सारा ऑडियंस एक साथ कार से उतर के साथ खच 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 फोटो वोटो चल रहे भाई, तो मेरे को आधा तो मेरा काम उधर ही भारी हो गया था तो पार्टी के अंदर। और आजमा क्या बोल रही है, सॉरी आजमा मैं मिस कर दिया,
क्या बोल रही है, आजमा खाला, सॉरी आजमा फला, सदाकत मेरा भाई कैसा है? अरे हाँ, स्टार वाली फीलिंग आ रही थी। आजमा बकरा अच्छा इंटरनेट लगवा लो। चल झूठ है अली भाई, झूठ नहीं बोल रहा अली भाई, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। साइशा ने भी ज्वाइन कर लिया भाई, साइशा भी आ गई है। अरे साइशा तो लेट आई भाई, तू विनित पे, विनित विनित के ऊपर जो अभी बात हुई है ना, साइशा तू मिस कर दी। आजमा फल्ला ज्वाइन। अरे इंटरनेट सही है मेरा यार, इंटरनेट सही है, बट क्या करूँ अभी। डीएम फॉर फन गाइस, ये क्या है, ये मुनोर इज एवरीथिंग, ऐसे फैन पेज है मेरे। देखो भाई कॉल कब कर रहे हो भाई, बिल्कुल मैं कॉल करूंगा, एक दो तीन दिन में मैं थोड़ा फ्री हो जाऊं, बाकी सबसे अभी थोड़ा बिजी चल रहा भाई, एकदम बिजी चल रहा अपन। यहाँ से फोन आ रहा, बोला इंटरव्यू दे दो भाई, भाई इंटरव्यू दे दो भाई। मैं बोला हाँ दे देता हूँ, अभी क्या करूँ मैं। आप लेना इतना चाहते, इतना उत्सुक हो तो मैं आपको दे देता हूँ इंटरव्यू। नहीं यार, नहीं नहीं मजाक करो, मालूम पड़ा सिद्धार्थ कनन भाई देख रहे होंगे, बोले अच्छा मेरे को बोल रहा था भाई, भाई वेरी एक्साइटेड फॉर इंटरव्यू, और अभी बोल रहे कि दे देता हूँ। नहीं तो मैं आई एम वेरी एक्साइटेड इंटरव्यू देने के लिए, मैं पहले कभी भी इंटरव्यू देने के लिए एक्साइटेड नहीं होता था। मैं बोला एक ही बात सब इंटरव्यू में बोलो, पकता है यार मैं इंटरव्यू नहीं देता था। तो पहली बार लोग इंटरव्यू मैं खुशी से दूंगा कि हाँ लाओ आओ पूछो, क्या है पूछो पूछो आने दो, तो वही उसमें दूंगा सारे इंटरव्यूज। और आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी कि ये करने मिलेगा। आजमा को मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों की फुल रिक्वेस्ट पे, आजमा फला, आजमा फला, आजमा फला के हॉलीवुड फैंस। इसको ऐसे सर्च कैसे करते, मेरे को जिसको ऐड करना है उसको कैसे लेते, इसमें तो सारी एक्सेप्ट का ही ऑप्शन आ रहा है। अच्छा आजमा को बोलो कमेंट करे, आजमा तू कमेंट करेगी ना तो वहां से मैं तेरे को पकड़ के लाइव ले लेता हूँ। हाँ आजमा फला, ये रही आजमा फला पे क्लिक नहीं हो रहा है, वे बदक आजमा फला पे क्लिक भाई सही है। चलो हाय आजमा फला आगे चलो, एड एज अ मेडियर गो लाइव विद आजमा फला। पहले फिल्टर लगाऊंगी, पहले चला फिल्टर लगाने दो। हाय फिल्टर कहाँ से ढूंढूं, माना कि ये लोगों ने हमारी असली शक्ल देखी ऑलरेडी, बट स्टिल थोड़ा फिल्टर लगा के बैठूंगी। हाय मुनव्वर फारूकी, सॉरी बकरा फारूकी, कैसे हो तुम? अरे क्या बात है बदक, कुछ ज्यादा ही फिल्टर हो गया कुछ ज्यादा। हाँ एकदम तू एकदम बोल ले। कैसे हो तुम, कहाँ घूम रहे हो? हाँ कहाँ घूम रहे हो? कहीं घूम नहीं रहा, एक दिन थोड़ा आराम के लिए रेस्ट कर रहा था। मुझे लगा तुमको गिफ्ट मिला है टिकट टू इटली, मुझे लगा कहीं तुम निकल तो नहीं पड़े इतनी जल्दी। नहीं नहीं क्या काम करने का ना, हॉलीवुड फैंस मेरे हैं लेकिन देखो ये बकरा, इसीलिए मैं इसको बकरा बोलती हूँ। साहिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप बहुत सपोर्ट कर रहे थे, आई लव यू साहिल भाई, और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। आजमा आजमा तू कितनी क्यूट है, तेरे को अंदाजा भी नहीं है। और तू मैं जितनों से आजमा मैं जितनों से मिला हूँ ना, राउंड टू हेल की पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, आई लव यू गाइस। राउंड टू हेल के वसीम भाई हो गए, सारे भाई आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार और आपने बहुत सपोर्ट किया है। तो आजमा मैं जिससे भी मिल रहा हूँ ना, जिससे भी मिल रहा हूँ, वो लोग मेरे को बोल रहे हैं कि मुनव्वर हमको अगर तेरे बात कोई पसंद है तो आजमा। और कितने लोग ने ये भी बोला है कि अगर तुम नहीं होते तो वो ट्रॉफी मेरी होती। मैं अबे
तू समझ रही है, कुछ लोग तो मेरे साथ इतना मिठे बनने के लिए बोलते होंगे ना कि तेरे बाद हमको आजमा फला पसंद थी, तो हो सकता है उन लोगों को शायद तू मेरे पहले पसंद हो, बट मेरे को नहीं बोल सकते ना वो लोग। एक्चुअली यस इतने लोगों से मिला हूँ बोले कि आजमा क्या फन थी, और मैं तेरे को पता है बोला भी था ना कि एज अ ऑडियंस लोग तेरे को बहुत पसंद करेंगे, बट ये नहीं पता ना कि तू कैसी इंसान है, कैसी खतरनाक औरत है तू, नहीं पता। हाँ एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है ना कि बर्दाश्त क्लोजअप ही दिखाया ऐसे, लोको पालो ने तेरे उल्टे पैर दिखाए नहीं लोग, और तेरे हाँ, वो उल्टे और लॉकअप में वो जो तुम्हारी ये वो नूडल्स जैसे जो बाले ना उसके अंदर जो तुम्हारे बकरे जैसे दो सिंग लगे हैं ना वो भी नहीं दिखाए हैं लोगों ने, इसीलिए तुम्हारे बाल काटने वाले ने भी सही से तुम्हारे बाल काटे थे ताकि तुम्हारे सिंग नजर ना आए। यस बकरे नहीं अपन मेंढे हैं, मैं आजमा ना आजमा के अंदर बाहर बोलती थी मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए होंगे आज, लाइक तेरी हरकतों की वजह से कम हुए होंगे। 50,000 बढ़ गए, लेकिन बढ़ गए मेरे फॉलोवर। फॉलोअर बढ़ गए ना, हाँ पर तुम क्या अकाउंट रख रहे हो क्या मेरे फॉलोवर बढ़ने का? हाँ तुमने क्या अकाउंट खोल के रखा है क्या आसमा के नाम का अकाउंट नहीं यार कुछ बहुत खुश देखो देखो कब मिल रही है तुम पुणे आओ मिलेंगे इंशाल्लाह, हमारा तुम। मैं आना गरीबा शायरी मेरे को बची हम। टॉप फाड़ दिया था ना वो वाला टास्क में मैंने, हाँ और मैं था कट ही नहीं रहा था, तो मैंने देखा कोई आ नहीं रहा, तो मैं हाथ से फाड़ दिया, और मेरे को लगा वो मंदना गया। कैसे से मैंने जॉब फाड़ दिया था, कैसे चल रहा है तेरा, क्या कुछ इंटरव्यू इंटरव्यू दे रही है? मैं पुणे आ चुकी हूँ, सारे इंटरव्यू वालों को बोला है मैंने कि आजमा बिजी है पुणे में है, सो टॉक टू यू लेटर बोल दिया। परेशान कर रहे कि नहीं? और ये मुनव्वर जो मैं तुम्हें बोलती थी ना, मैसेज नहीं आते मुझे हैंडसम लड़कों के, इतने मैसेज आ रहे तुमको बता नहीं सकती बहुत दर्द यार होंगे ना। तुम्हारा सही, कैसे चल रहा है? ऑल गुड ऑल गुड। शुक्र है तुम डोंगली से सही सलामत आ गए, इतने फैंस जो तुम्हारे ऊपर झपटा मार लिए थे और मुझे लगा मुनव्वर तो गया, इसकी ट्रॉफी गई ये घर डोंगरी के फैन भी जो है ना वो भी शेर, और डोंगरी का जो विनर है हाँ शेर शेर आपस में अटैक नहीं करते। अटैक मतलब प्यार से कि इसको पकड़ो मुनव्वर। अरे वाह, तू यकीन मान मैं खुद पागल हो गया था, और मुझे लग रहा था यार ये क्या हो रहा है, लोग इतने जमा हो गए थे, मैं तो कैसे कैसे निकला, बट इट्स लाइक कि वो भीड़ बढ़ जाती, बाकी कुछ नहीं, बाकी बहुत तुम सारा लोग अपने सोचते थे कि मोहल्ले में फेमस होऊंगा, तुम सारी दुनिया में फेमस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है तेरी। माशाल्लाह। अम्मी कैसे, बहन कैसे, सुनना मंदन। मंदना तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हाँ तेरी तेरी बेस्ट फ्रेंड यार। नहीं, अरे सारा मंदना कुछ भी लॉकअप में कुछ भी होता था मंदना बोलती थी मुनव्वर ने किया है। सुनना, एक एक नाम मैं बोलता हूँ तू उसके बारे में कुछ बोल, एक नाम तू ले उसके बारे में मैं कुछ बोलता हूँ, लॉकअप के अच्छा कर। चल मंदना के बारे में कुछ एक दो लाइन। लाइन या वर्ड? कुछ भी बोल दे, कोई वर्ड बोल दे, कोई एक दो लाइन बोल दे। लूज मोशन सबको पता होगा मैं यही बोलूंगी अभी मेरी बारी, अभी मेरी बारी, अभी मेरी बारी, अभी मेरी बारी, मेरी बारी, ठीक है अली अली सच बोलना, लॉकअप, लॉकअप के हिसाब से अली के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा, अली भाई लॉकअप में गाना गाना मना है, हिलाना मना नहीं है। शो में तो बेइज्जती हुई थी बेचारे की, यहाँ पे भी दी यहाँ पे भी कर दी। अच्छा अभी मैं एक नाम लेता हूँ ठीक है, हाँ प्रिंस। फ्रेंड्स
नहीं रहने दे, रहने दे, चल रहने दे, प्रिंस, रहने हाँ दे। ठीक है, प्रिंस, बाय द वे प्रिंस ने मुझे ब्लॉक कर दिया इंस्टाग्राम पे, मुनव्वर बताओ. क्या गुना, मैंने कौन सा गुना कर दिया? मैंने आते ही उसका प्रोफाइल ओपन किया, ओपन किया और है, मैंने फेक आईडी से ट्राई किया तो फौरन ओपन हो. छोड़ो, क्या बोला इस बारे में अब. आज मेरे को ट्रॉफी लेके इतनी खुशी नहीं हुई। ये सुन के तुमको खुशी हो गई है ना? बहुत ही मजा आया। जाने तो तुम्हारी लाइफ बेइज्जती नहीं करूंगी, मैसेज में बेइज्जती करूंगी क्योंकि एडवाइस तुमने ही दी थी. देखो कितना खुश हो रहा है. अच्छा बूम बाम, बूम बाम के बारे में। बूम बाम के बारे में हम बोलेंगे कि देख ले, एक जगह से तो ब्लॉक हो गई है, दूसरी दूसरा दरवाजा। बूम बाम की शायरी बड़ी जबरदस्त है, तो बूम बाम भी जबरदस्त है, तारीफ करते हैं. पता चला सारे लोग कपास ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुनव्वर सिर्फ तुम्हें बच गए. अब हम अच्छी बातें करेंगे. थैंक तो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। यू. ख्याल रख अपना और आना मुंबई मिलना। इंशाल्लाह, पक्का पक्का तुमको मैं मैसेज करूंगी. शॉपिंग करनी है हमको. शॉपिंग भी, और मैं एक आध हफ्ते में शायद ऐसा गैदरिंग दावत टाइप रखूंगा घर पे या ऐसा थोड़ा, तो मैं तेरे को बुलाऊंगा। आएगी बिल्कुल, गरीबा शायरी सेक्शन सेशन टू होगा. गरीबा शायरी सेशन करेंगे। अच्छा करना है, अभी करना है गरीबा शायरी सेशन। वो हम दोनों साथ में बैठ के करेंगे, वो अच्छा लगेगा. स्पेशल अपन स्पेशल रिकॉर्ड, रिकॉर्ड लाइव पे और वो जब करेंगे. कंप्लीट हो जाएगी ना, उसकी रील बना के अपन पोस्ट करेंगे। डन 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 डन. यस, गरीबा ठीक है शायरी. चल, बहुत बाय, बहुत हाँ अच्छा फिर लगा, स्पीक. ठीक ठाक हाँ लगा बात करके तेरे, इतना कुछ ना। हाँ बट नो, ठीक है निकल, चली गई। आजमा फला लेफ्ट। चलो कौन देख रहा है लाइव, कुछ कमेंट वमेंट आए तो पता चले कौन देख रहा है मेरा लाइव। गरीबा शायरी ओपी। अरे गरीबा शायरी कैसी थी, बढ़िया थी कि नहीं? अंजलि को भी लाइव लो। अरे यार लाइव लेने तो मैं आया ही नहीं था किसी को, बट आजमा को तो मैंने पहले से बोल के रखा था कि तुझे तो लाइव लूंगा साथ में, फन है। मुनो लेग की वैक्सिंग करा? नहीं यार मैं कभी नहीं करा था वैक्सीन वगैरह, हल्के हल्के बाल है, वैक्सीन नहीं की जरूरत नहीं है, तो हल्के हल्के बाल है अपने थोड़े। यार ये सब चीजों का मैं तुम्हारे को जवाब भी देने बैठ जाता हूँ भाई, कैसे कैसे लोग हैं, और मैं कितना इनोसेंट आदमी हूँ कि मैं जवाब भी देने बैठ जाता हूँ कि नहीं नहीं बाल छोटे वे नहीं कराया। और ये नजर, और कुछ सवाल हो तो आने दो दोस्तों। लास्ट 20 मिनट्स आई एम लाइव, 20 मिनट में लाइव हूँ, और 20 मिनट तक बातें कर लो, और जो कुछ पूछना है पूछ लो, सवाल जवाब जो भी हो आपके वो प्लीज पूछ लो। 20 मिनट में लाइव हूँ 10:30 तक। तुम्हारी लाइफ पे वेब सीरीज बनाओ, नहीं बायोपिक बन सकती है, बट ऐसी भी कुछ अपने का झंडे नहीं गाड़े अभी, अपन ने गाड़ने के बाकी है। ऐसी दुआ करते रहोगे, ऐसा प्यार भेजते रहोगे, मैं काम करता रहूंगा, और एक से काम करके ऐसी सी फाड़ कंटेंट बनाएंगे ना अपन। तुझे भी भूल गए, ऑल अबाउट मुनव्वर। अरे मेरी टाबर, ऑल अबाउट मुनव्वर को मैं नहीं भूला हूं, मैं किसी को नहीं भूला हूं दोस्तों, किसी को नहीं भूला हूं। इट्स जस्ट ऑक्यूपाइड विथ सो मच वर्क। अब्दुल्ला मेरा भाई, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ तेरे से। ऑक्यूपाइड विथ सो मच वर्क, प्लीज दोस्तों आप अंडरस्टैंड करो, मैं किसी से नहीं बोला, सब मुझे प्यारे हैं, सब याद है, बहुत सारे काम से ऑक्यूपाइड हूँ, आप भी समझ रहे हो ना, आपने बना दिया ना, आपने आपने इतनी मेहनत करके। विनू मेरा भाई नायर, कैसा है? आप लोगों ने इतना प्यार करके, इतने दुआएं करके मेरे को बिठाया है पलकों पे, नो डाउट। अब वो पलकों पे बैठे रहने के लिए काम करना पड़ेगा कि नहीं, तो बस वो काम करूंगा और पलकों पे बैठा रहूंगा। और आप खुद देखो, आप लोगों ने जो सपोर्ट किया, जो प्यार किया, उसकी वजह से काम, बहुत सारा काम है, और वो सारा काम बहुत बढ़िया है, अच्छे से वे में करना है, और
मैं बस यही बोलूंगा कि वहां पे भी दिल जीते। अभी भी अगर कुछ लोग नाराज है, उनका भी दिल जीत लेंगे यार। नाराज लोगों की फिक्र है मुझे, बट तुम लोग प्यारे लोग हो, फैंस हो तुम लोग जो सपोर्ट कर रहे हो। बट भरोसा रखो, डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। जो लोग अभी भी हेट कर रहे, उन लोगों का भी दिल जीत लेंगे। एक वक्त आएगा कि कुछ काम तो ऐसा कर जाऊंगा जो बोलेंगे कि यार मुनव्वर क्या बढ़िया काम कर गया। तो बस वही कर रहा हूँ, वही करना चाहता भी हूँ। तो बहुत सारा प्यार सपोर्ट इसी तरह करते रहना। और एक चीज बोलना चाहूंगा, अभी आप लोग अगर कुछ बबी को ऐड करो, कुछ सवाल आपके हो तो मुझे आप प्लीज बोल सकते हो, पूछ सकते हो। लव फ्रॉम बैंगलोर, समीर, लव फ्रॉम बैंगलोर, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पलकों की वजन हो रही, थोड़ा डाइटिंग कर लो यार, वजन उतर गया मेरा 10 किलो यार। टेक माई नेम अम्मी जसानी। मुझे एक क्वेश्चन है आपसे, सिंपिंग बंद करना पड़ेगा क्या? नहीं, सिंपिंग विंपिंग क्यों बंद करने का, बिंदास करने का सिंपिंग नहीं, बिंदास भी नहीं करने का, बट थोड़ा थोड़ा कर सकते। अब आई लव यू बोल दो। अरे आई लव यू ऑल, लव्स भाई, थैंक यू सो मच। आज महविश, महविश थैंक यू सो मच। कनीज, कनीज थैंक यू सो मच। कनीज, कनीज इज वेरी स्वीट एंड वेरी फनी, वेरी फनी, शी इज वेरी फनी। भाई मेरे से प्यार करते हो कि नहीं बताओ। लव्स भाई तुम पहले फैन पे जो, और आई लव यू, लव फरहान, मुझे भी आई लव यू बोलो। मैंने बोल दिया ऑल, लव यू सबको, ठीक है। हाय मुनव्वर, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, थैंक यू सो मच। चेरी वोकल्स, चेरी वोकल्स, थैंक यू सो मच चेरी, वेरी टैलेंटेड। जाओ उसका इंस्टाग्राम देखो, शी इज वेरी टैलेंटेड। सिर्फ टाबर आपकी है क्या? नहीं, सब मेरे ही है। बिग बॉस सीजन 16 मिलेगा तो आप जाओगे क्या? यकीन मानो, मैं 72 डेज एक कैप्टिव रियलिटी शो करके आया हूँ, और मुझे पता है रहना इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। द सेम टाइम आई डोंट नो कि मैं क्या चाहूंगा, बट फिलहाल अगर कोई मुझे अभी पूछे तो आज लाइक नहीं, मैं नहीं रह सकता। मैं 4 महीने तेरे बिना नहीं रह सकता, मतलब मैं 4 महीने ऐसे कैप्टिव रियलिटी शो में नहीं रह सकता। तो मैं अभी के लिए तो मेरा ना ही, और आई होप ये ना ही रहे। आई होप कि आई वॉन्ट, बट फिर भी क्या पता बोले क्या, बिग बॉस के घर में लेके आ सकते हो एक लोग, एक इंसान को यार, यू नेवर नो। नहीं, रोहित बाग, कोलकाता घूम कर जाओ सर। बिल्कुल रोहित भाई, डेफिनेटली कोलकाता आएंगे। बाय, लव यू टू। खतरों के खिलाड़ी में जा रहे, सब जानना ना तुम लोग, हाँ सब जानना ना तुम लोगों को सबसे पहले सब कुछ पता देने का ना हम लोग को। न्यूज़ चल रही है तो देख लो, अभी न्यूज़ चल रही है तो क्या पता, अभी देखो अभी क्या, यूट्यूब, OTT, अभी टीवी को भी थोड़ा टाइम देते ना यार, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देने का ना यार, हर टैलेंट को थोड़ा थोड़ा ऐसा घिसते रहने का, अपने को क्या मालूम क्या अचीव कर ले अपन लोग। बट दोस्तों आप लोगों को यकीन मानो, आप यकीन मानो, मैं डाल रहा हूँ कुछ कंटेंट यूट्यूब पे आने वाले थोड़े ही दिनों में। अभी फ्राइडे तक मेरे इंटरव्यू इंटरव्यू पढ़ा दो, उसके बाद उस पर लगता हूँ 2-3 दिन बढ़िया सा, और कुछ तो बना के दे रहा हूँ तुम लोगों को। सब कुछ डिटेल में नहीं बताना चाहता, बट तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोगों को बदले में, तुम लोगों ने इतना सपोर्ट किया, बदले में कॉन्टेंट तो दबा दबा के मिलेगा, और सबको बहुत सारा प्यार, और मैं बहुत खुश हूँ आज। और यही बोलना चाहूंगा, लॉकअप की जो जर्नी थी, लॉकअप के जो दिन थे, वो कभी बहुत अच्छे दिन होते थे, कभी मुश्किल दिन होते थे, कभी बहुत स्ट्रेस होता था, बहुत अलग अलग दिमाग में चीजें चलती थी, और उसके दौरान वहां पे बहुत अलग हो जाता है सब कुछ, सोचना वोचना सब कुछ अलग लगने लगता है, आपको वही लगने लगता है कि दिस इज द वर्ल्ड, यू हैव टू सर्वाइव, तो वैसा फील होने लगता है। और रही बात स्टैंड अप कॉमेडी की, स्टैंड अप कॉमेडी
मेरा मेन चीज है और वो हमेशा मेन ही रहेगा। बस आप ये सोच लो कि आप लोगों का जो सपोर्ट था, आप लोगों का जो प्यार था, जो वहां पे मुझे एज अ वोट्स मिलता था, एज अ कॉम्प्लीमेंट्स मिलता था, और आप जब मैं बाहर आके मैंने देखा है कि आप लोगों ने इंटरनेट पे जो अंगार मूता है मुनव्वर की जनता ने, और मुनव्वर के जो फैन पेजेस, वॉरियर्स, और जो फॉलो करते, जो फैन पेज नहीं है और जो लोग ऑलवेज सपोर्ट इतना कर रहे थे, तुम लोगों ने इंटरनेट पे जो अंगार मूता है, ऐसा दो हाथ से था ऐसा सैल्यूट तुम्हारे को, कि तुम लोगों ने जो लेवल पे प्यार भेजा है, जो लेवल पे सपोर्ट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। मैं दिल से बहुत प्यार करता हूँ आप लोगों से, आप लोग बहुत मैटर करते हो मेरे लिए, और आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया काम दूँ अपना, शायरी हो या रैप हो, म्यूजिक हो, स्टैंड अप वीडियो हो, या उसके अलावा भी जो भी कंटेंट आए। तो बस इसी तरह आप प्यार भेजते रहो, दुआओं में अपनी याद रखो, और यकीन मानो मैं जो वहां पे होता था और जो लाइव चलता था वो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। क्या ही नू कि आप लोग जो देखते थे मुझे लाइव, मैं भी सेम टाइम में मिस कर रहा हूँ कि आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस एनी मोर। 80 दिन तक, 70 दिन तक रहा, बट आज मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं कोई ना कोई जरिया जरूर ढूंढ लूंगा आप लोगों को तक ज्यादा से ज्यादा एंटरटेनमेंट पहुंचाने का। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जो फैंस, फॉलोअर, जो भी देख रहे हैं, रिस्पेक्ट करने के लिए मेरी लाइफ को, मेरी पर्सनल लाइफ को, हर चीज को रिस्पेक्ट करने के लिए, हर चीज को समझने के लिए, मुझे हर चीज में, हर इल्जाम में बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए, ऑलवेज हर न्यूज में, हर सिचुएशन में एक सेंसिबल फैन की तरह बिहेव करने के लिए, या एक सेंसिबल फॉलोअर की तरह बिहेव करने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप लोग हमेशा जब साइड लेते हो, या हमेशा आप बात को सुनने की, समझने की कोशिश करते हो, तो ये क्वालिटी जब फैंस की होती है, इतनी तादाद में लोग आपके साथ होते हैं, तो आपकी हिम्मत एक अलग लेवल पे पहुंचती है। आपके पास जब एक एक इंसान भी जिंदगी में ऐसा होता है ना जो आपको समझ सके, तो आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। मेरी लाइफ में ऐसे लाखों लोग हैं, ऐसे लाखों लोग हैं जो मुझे समझ सकते हैं। ये रहमत ही है, ये रहमत अल्लाह ने कोई रहमत के तौर पे ही भेजा है, कि आप लोग बस एक रहमत ही हो मेरे लिए, कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप लोग सब मेरी लाइफ में हो, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, वो लोग जो मुझे समझते हैं। और ये जो प्यार है ना, उसमें कोई कंडीशंस नहीं, ये प्यार कंडीशंस वाला नहीं है, कनेक्शन वाला है। तो कंडीशन वाला नहीं है अपना, कनेक्शन वाला रिश्ता है जनता से। तो बहुत ही प्यारी चीज है आप लोगों के बारे में, और यही बोलना चाहूंगा। और अब मैं यहाँ से इजाजत लेता हूँ आप लोगों से, और इजाजत लेता हूँ, और डिनर करना था, 11:30 बजे का टाइम था, मुझे पता है लाइव का, बट मैं क्रिएटिव पैशन मेरा भाई, आई लव यू। तेरे एडिट्स तो देखूंगा, कितने एडिट्स तूने बनाए देखता हूँ, और मेरे पे और कितने बनाए वो भी देखता हूँ, और बना नहीं बनाए तो, और 11:30 का प्लान था, बट फिर डिनर का प्लान है, तो डिनर अभी करूंगा ना टाइम पे यार, अब तो डिनर टाइम पे करूंगा, तो डिनर का प्लान है, तो बस डिनर पे जाना है। और मैं घड़ी देख रहा था, वहां पे घड़ी लगी हुई है, तो उधर घड़ी है, तो मैं घड़ी में से देख रहा था कि टाइम क्या हो रहा है। हाँ, टाइम कितना हो रहा है वैसा, तो मैं वो टाइम देख रहा था घड़ी में, तो अभी वो सही टाइम है, तो ये सही टाइम पे ही डिनर जाना चाहिए, तो डिनर जाना है, तो इसलिए मैं थोड़ा 9:30 बजे लाइव आ गया था, कि 10:30 बजे तक बात कर सकूँ, उसके बाद डिनर जाए। ठीक है, लाइव में बिल्कुल सेफ करूंगा, डोंट वरी। घर का खाना, लेट्स गो, यस यस, बढ़िया। घर पे नहीं हूँ बट हाँ, घर का खाना खाके तो पागल ही हो गया। मेरी बहन ने क्या बिरयानी बनाई थी, बिरयानी और कीमा, इतना जबरदस्त बनाया था, मैं गया और खाया हूँ, मैं तो चुपचाप पहले से बैठा, सबसे दस्तरखान पे, सब भी बैठना शुरू भी नहीं किया, और मैंने प्लेट में कीमा निकाला, बिरयानी निकाली और शुरू हो गया। तो बहुत बढ़िया खाना, मेरे घर से अच्छा खाना कहीं नहीं बनता है, नो, मेरी बहनों से अच्छा खाना कहीं नहीं बन सकता। बहुत
बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। आई मीन नो ऑफेंस, नो ऑफेंस मत ले लेना क्या, और हमारे में अच्छा खाना बनता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैंने उससे अच्छा खाना नहीं खाया, और बहुत सारे लोग उससे अग्री भी करते। तो वही है, अभी लास्टिंग फ्रॉम लास्ट 30 मिनट्स। अभी मैं आपको जाने से पहले एक और शायरी सुना देता हूँ, चलो। हाँ दोस्तों, ये वाली शायरी लाई याद नहीं थी, बट ये शायरी अगर लॉकअप में सुना देता ना तो पब्लिक पागला जाती भाई, पब्लिक पगलाइट जाती, मेरे को याद नहीं थी ये वाली शायरी। चलो, ये शायरी एकदम दर्द भरी थी भाई, दिल टूटे वाली एकदम खतरनाक किस्म की शायरी थी, ठीक है। उसकी रोशनी का जमाल मेरे बस का नहीं, आवाज आ रही है क्या? आई गॉट अ कॉल, आई जस्ट गॉट अ कॉल, उस वजह से शायद आई दिखता है, आवाज आ रही है अभी भी। और जो भी कॉल कर रहा है और वो लाइव पे है तो प्लीज कॉल मत करना, मैं ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि लाइव खराब हो रहा है, 1 लाख लोगों का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, ठीक है। तो हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आवाज आ रही है ना? बैक कैमरा ऑन करके सुनाओ। हाँ बहुत तेज हो रहे तुम लोग, बहुत तेज हो रहा, बहुत तेज हो रहे तुम लोग, ये दिल टूटने वाली शायरी है, ठीक है, ये बैक कैमरा ऑन करके नहीं सुना सकता। उसकी रोशनी का जमाल मेरे बस का नहीं, मैं अपनी झोपड़ी जुगनुओं से सजा बैठा हूं, वो बन रहा है अनजान मेरी मोहब्बत से, जबकि मैं ये गुनाह सरेआम कर बैठा हूं, वो तो खुश है किसी और का होके। अब पहले से सुना देता हूँ, थोड़ा वो हो गया। उसकी रोशनी का जमाल मेरे बस का नहीं, मैं अपनी झोपड़ी जुगनुओं से सजा बैठा हूँ, वो बन रहा है अनजान मेरी मोहब्बत से, जबकि मैं ये गुनाह सरेआम कर बैठा हूँ, वो तो खुश है किसी और का होके, वो तो खुश है किसी और का होके, और मैं नादान यहाँ उसकी खुशी की दुआ मांग बैठा हूँ। प्रिंस भाई, मेरे प्रिंस भाई, भाई भाई, आई लव यू, आई लव यू भाई, आई वाज सो ब्लेस्ड, आई वाज सो हैप्पी कि प्रिंस भाई आए लास्ट के 3 हफ्तों में। और जब प्रिंस भाई आए, मेरे को पहले तो फैन मूवमेंट था, लाइक भाई को तुम्हारे को तो फॉलो करता हूँ, ये सब सेलिब्रिटी भले रहे बट तुम अपने खास वाले हो। तो प्रिंस भाई को ऐड करने, प्रिंस भाई रिक्वेस्ट भेजा है, अगर आप टॉयलेट वगैरह में नहीं हो तो प्लीज लाइव ज्वाइन कर लो। मैंने रिक्वेस्ट तो भेजी है प्रिंस भाई को डेफिनेटली, बट प्रिंस भाई बहुत प्यारे इंसान, मस्त आदमी है और अच्छे इंसान है भाई, अच्छे इंसान होगा, देखो अच्छे इंसान होगा तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि अच्छे इंसान है, उनको ऑलरेडी लोग उनको प्यार करते, पागल है प्रिंस भाई, मेरी भी फेवरेट है। अरे भाई फिल फिल बस लाइव बंद कर दो, अगर मेरा नाम नहीं रहना तो। मुनर फारूकी हैदराबाद, नहीं यार कैसे बात कर रहा है यार, मेरा भाई है तू। प्रिंस इज अनअवेलेबल, ऐसा आया, ठीक है। कांट वेट टू सिंग फॉर यू अनदर टाइम, यस चेरी, मैं डेफिनेटली कुछ तो ऐसा बनाऊंगा जिसमें वी कैन वर्क टुगेदर, डेफिनेटली चेरी, मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ काम करना। मुंबई में शो करो क्यूटी, यस यस बिल्कुल, हर जगह शो करेंगे। तो बहुत सारा प्यार लॉकअप की सारी पब्लिक को, लॉकअप के सारे फैंस, मुनोर की जनता, मुनोर के वॉरियर्स, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दिल से दुआएं, और इसी तरह सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो, और मैं जल्दी ही कुछ डाल रहा हूँ, और अभी वही आप प्लीज समझो, 2-4 दिन ऐसा पोस्ट वोस्ट डालना शुरू करूंगा, पता नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या पोस्ट करूँ, बट मैं अभी एक्टिव हो जाऊंगा सोशल मीडिया पर बढ़िया सा, बट खाली 2-3 वो इंटरव्यू वगैरह सब है, वो सारी चीजें पटा रहा हूँ बस, तो ये शेयर कर दूंगा लाइफ, इंजॉय करना, ठीक है। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार भाई, जल्द बस ये अभी फ्री हो जाए, जल्दी दो इसे बस, जल्दी बस ये अभी फ्री हो जाए, अभी प्यार दो इसे। लगा रहे लड़के, लगा रहे स्पेक्ट्रा, मेरा भाई स्पेक्ट्रा, आई लव यू। तो अभी बहुत सारा काम है,
तो वो काम भी करूंगा, ये करूंगा, तो काम आते रहेगा दोस्तों, बैठने का नहीं, अपन धंधे में निकले ले, तो धंधा तो धंधा भी चल चल रहा है जोरदार धंधा भी जोरदार चल रहा है। और शाउट आउट टू ऑल द हिप हॉप, हिप हॉप मैंने मिस किया, मैंने अभी तक एक भी गाना नहीं सुना, यंगस्टर्स, तलहा अंजुम, तलहा यूनुस, जे जे, जोखे, नबील अकबर, जानी, तलहा, फिर नवाज, अपना हाशिम नवाज, रैप डीमन, ये अपना उर्दू हिप हॉप सीन हो गया, रफ्तार भाई, फिर कृष्णा, मुंह फाड़, 40, बाली भाई, बादशाह भाई, अनिकेत, डकैत, मॉब डी, रावल, भार्ग, इक्का भाई, रागा भाई, भाई भाई मैं इनके नाम ले रहा हूँ, मेरे को ऐसे गूजबम्स आ रहे हैं कि भाई साले क्या गाड़ फाड़ आदमी है सब लोग। और ये सारे ही लोग हिप हॉप जो पूरा सीन है, स्पेक्ट्रा हो गया मेरा भाई, फरहान हो गया, शेक्सपियर, ग्रेविटी, और नेजी भाई, डिवाइन, डिवाइन भाई डिवाइन, एमसी अल्ताफ भाई, ये कितने, मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे को नाम याद नहीं रहता, किसी को लगेगा कि यार मुन्नो ने मेरा नाम नहीं लिया, नैज हो, स्पेक्ट्रा हो, फरहान हो, और बहुत सारे लोग जिनको मैं पागलों की तरह सुनता हूँ हिप हॉप। और ऑलमोस्ट सारा ही हिप हॉप, अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन जो है वो अपने आप में एक सबसे खतरनाक सीन है, सबको बहुत सारा प्यार, और जिसका नाम लेना मैं भूल गया हूँ तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, तुम जानते हो मैं खाली भूल गया हूँ अभी नाम लेना, बट मेरे लिए तुम लोग सब इधर हो, एमए बंटाई, बंटाई भी इधर है, सब लोग, मतलब सब लोग खजब काम कर रहे, खतरनाक काम कर रहे। और एमसी स्टैन मेरा भाई, स्टैन भाई को तो मैं अभी कॉल करूंगा एक दो दिन में और बोलूंगा आगे, बोलते ना हाँ ऐसा क्या माँ, बोला क्या बोलते माँ, अरे क्या बोलते माँ, अरे बच्ची किधर है, बच्ची जरा अभी इधर शॉर्ट हो गया, तो स्टैन भाई को भी कॉल करूंगा। और एमसी भाई, स्टैन, स्टैन बहुत दिल से बंदा है यार, दिल वाला बंदा, बहुत प्यार है, तो स्टैन से भी मिलने गया मेरे को। और हाँ अभी हिप हॉप मैं, मेरा नाम भूल गया है, रूप वॉल्यूम 1, समय, समय मेरा भाई, समय को मैं बोल नहीं सकता कि समय मेरा फेवरेट है, मैं बोल ही नहीं सकता, समय से अलग ही प्यार है, समय का जो एक, समय जानता है मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, कितना खास है समय मेरे लिए, क्या एक अलग ही लेवल पे हम हैं, तो समय के लिए यही बोलना चाहूंगा, समय का रूक वॉल्यूम 1 सुनना, जिसमें रफ्तार और समय है, रफ्तार ने कुछ एक दो सर बहुत हेल्प किया, रफ्तार भाई ने कुछ उसमें लाइन भी लिखी है, तो उसमें एक लाइन थी जो सुन के मैं अभी भी ट्रिप होता हूँ, मैं मेरा वो ये है अपना गिल्टी प्लेजर नहीं बोलेंगे बट काइंड ऑफ गिल्टी प्लेजर के क्या था समय, वो लाइन बता, वो घोड़े वाला, क्या मेरा घोड़ा दे के ऊंट मारू, हाथ में घोड़ा दे के ऊंट ऊंट मारू, क्या था समय ब्रो, वो लाइन बोल दे जरा इस बार, टाइप कर दे यार, वो ट्रिप लाइन थी वो। बेसिकली समय, समय के एक जेल वाले शो में मैं, एक शो में मैं जेलर भी बना था। सिक्स पैक कब आएंगे प्रिंस भाई को पूछो यार, सिक्स पैक कब आएंगे, प्रिंस भाई को भी कॉल नहीं किया, मैं प्रिंस भाई से भी फोन के बाद बात करूंगा, मैं बस कल से थोड़ा यही सब चीजें करने वाला हूँ, और सिक्स पैक तो आ ही जाएंगे भाई, काम ही इतना, धंधा ही जितना है अपने पास, इतना धंधा है, इतना काम है, सिक्स पैक तो आ ही जाएंगे। हाँ ऊंट, हाँ ऊंट, ऊंट मेरा घोड़ा दे के तुझे ऊंट मारू तो बहुत फनी समय मेरा भाई। और समय भाई, समय अभी टाइम है अपने को डालने का गाना साथ में, अभी बैठते हैं और गाना कंप्लीट करते हैं, मेरा समय एक गाना लिखे थे, स्टार्ट किए उसने उसका लिखा, मैंने मेरा लिखा, और वो ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी भी, तो समय और मैं वो गाना अभी जल्दी से जल्दी बना के डाल रहे, बाकी तो बस ख्याल रखो आप लोग सब अपना, बहुत सारा प्यार, और मैं डिनर के लिए लेट हो रहा हूँ, तो डिनर करके फिर मैं भी सोशल मीडिया पे पोस्ट वोस्ट डाल दे रहूंगा, ठीक है, तो आप लोगों को मजा आएगा, आई लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, एंड आई लव यू ऑल, गुड नाइट, गुड नाइट। जाने का मेरा भी मन नहीं कर रहा है, मतलब तुम लोगों को छोड़ के आने का मन नहीं कर रहा है, बट फिर मैं देखा है डिनर, तो यार डिनर, अब देखो भूख है ना, भूख और नींद किसी के बाप की नहीं होती, ठीक है, तो खाना अपनी जगह, मतलब मुनोर की जनता कलेजा है सब कुछ है, बट यार बिरयानी और मछली तो मछली है ना, तुम लोग भी मानते हो ना। हाँ तो फिर मुझे उसके लिए जाना होगा डिनर पे, और
बिरयानी मछली, ये डिनर तो चलता रहता है, मैटर क्या करता है आप डिनर किसके साथ कर आप डिनर। आशिम नवाज भाई आ गया, आशिम नवाज भाई लव यू भाई, जजाकल्ला बहुत बहुत शुक्रिया आप हो इधर। और आशिम नवाज भाई बिग फैन, और यही बोलना चाहूंगा कि डिनर आप कर किसके साथ रहो ये बहुत मैटर करता है। तो जब आप अपनी फेवरेट चीजें खाते हो और डिनर में अच्छी कंपनी है तो मजा आता है, ठीक है। तो बस मेरा नाम लेके जाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई चीटोस, खाना कमजोरी है, बबी के साथ डिनर, बबी के साथ डिनर। ये कैसा गैस किया तुम लोग, तुम लोग कैसा गैस किया, ये कैसे तुम लोग, कौन से दूर दूर तक, कहाँ कहाँ से, कुछ ना बात ना। ओ भाई ऐसा, ये अपर बॉडी अपना अच्छा है, देखो अपर बॉडी जितना लीन सी है ना उतना ही है, बस खाली अपने वाली ये थोड़ा यहाँ का सही करने का, सही करने का मतलब कम करने का, सही है ठीक है ना, सबका ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो बस मेरा ही कमेंट नहीं दिखता, Muna_X7 साकिब मेरा भाई, क्या एडिट करता है तू, बहुत बढ़िया। मैं कर रहा हूँ, सबसे बात करूंगा धीरे धीरे धीरे, सबको सबसे बात करूंगा, सबको कॉल करूंगा, ठीक है। कैसे करा, क्योंकि आज बस बबी बबी हो रहा है। दाना चिकन, ताजुद्दीन, ताजुद्दीन तेरे बहुत फोन आए, लेकिन मेरा भाई यकीन मान मैं कुछ ना कुछ चीजों के बीच में था, मैं तेरे को भी कॉल कर रहा हूँ, एक आध दिन दे दे खाली, मैं तेरे को कॉल करता हूँ। और बाकी सब तो ठीक है, और 2 मिनट है दोस्तों, बात कर लो। फरहान, फरहान वापस, फरहान का नया गाना है, चेकआउट करो भाई, विटी विपुल, कैसा है भाई विटी विपुल, बहुत विटी है तू। और फरहान भाई का नया गाना है वापस, वापस गाना है, DRJ सोहेल मेरा भाई लव यू। DRJ अपने को बनाने का, आ रहा हूँ मुंबई, मुंबई आ रहा हूँ और कुछ बनाने का है, तो फटाफट बना दे, जूम रख के बाद देखो खाला यार भाई, सबको वे सीखो, गुरु नहीं था सड़कों पे, सीखे है तो कोई गुरु नहीं था। बिल्कुल भाई सड़कों पे सीखे भाई, सड़कों पे कहाँ गुरु लाते हैं अपन। सुनील पाल भाई भी कुछ भी बोलते हैं, सुनील पाल भाई तो स्टेज पे यार चालू ही हो गए थे, बंद ही नहीं हो रहे थे यार, क्या भड़के हुए थे मेरे पे। मैं बोला सुनील पाल भाई मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ आया। हाँ मैं, हाँ आई वॉन्टेड टू से दैट, मैं ऐसे सोच रहा हूँ मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा। फिर मैं बोला चलो ठीक है, उनको भी अभी कुछ तो बोलना है, तो सुनील पाल भाई भी बोल रहे थे। और अभी भी मैंने देखा सुनील पाल भाई ने कुछ पोस्ट किया है, किसी ने मुझे टैग किया था तो मैंने देखा फेसबुक पे, ही सेड समथिंग बैड अबाउट मी आफ्टर, इवन आफ्टर विनिंग, के वल्गरिटी से कॉमेडी को बचा लो, वो ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस कि जो कॉमेडी है सुनील पाल भाई, आप जितना रिस्पेक्ट करते होगे कॉमेडी का, मैं भी उतना ही रिस्पेक्ट करता हूँ, उतना ही प्यार करता हूँ, उससे ज्यादा प्यार करता हूँ कॉमेडी से। तो प्लीज ऐसी ऐसा मत कहिए कि मुझे मेरी वजह से कॉमेडी को खतरा है, कॉमेडी जो है वो मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत प्यार करता हूँ वो आर्ट फॉर्म से। तो आप इस तरह की बातें मत कहिए कि कॉमेडी को मुझसे खतरा है, या आप इस तरह की बात मत कीजिए कि मैं वल्गर करके करता हूँ। आप कर सकते हो, आपका वो ओपिनियन है मैटर करता है, बट मैं बस यही कहना चाहूंगा कि नहीं मैं कॉमेडी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं कॉमेडी को मुझसे बचाने की जरूरत नहीं है, कॉमेडी को हम सब मिलके साथ में बचा सकते हैं, बट आपका तरीका अलग है मेरा तरीका अलग है। आप जब पहले भी आए थे स्टेज पे तो मैंने जो कुछ भी बोला शायद डिसरिस्पेक्टिव लगा हो आपको, बट मैंने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया था आपको, मैंने कोशिश की थी कि मैं अपने दायरे में रह के जवाब दूँ आपको, बट कहीं मुझे अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने डिसरिस्पेक्ट करके आपको जवाब दिया, तो उसके लिए आप जानते हो मैं, मेरा वो मैं आई डोंट मीन इट, बट आप कुछ ज्यादा गुस्से में लग रहे थे मेरे को कि ऐसा तेरी औकात नहीं हमारी फैमिली को हंसाने की है वो, बट कोई नहीं औकात बना लेंगे, और औकात तो बनाने वाली जात बहुत बड़ी है, तो वही बना देगी औकात। बाकी बहुत सारा प्यार सबको, किसी को भी हेट मत भेजो, कोई भी अगर जनता को ये बोलना चाहूंगा कि आप किसी को भी हेट मत भेजो अगर कोई कुछ आड़ी टेढ़ी बातें लिख रहा है मेरे बारे में, तो अपना ओपिनियन रखो बट गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं करनी। तो बस अब हो गया, तो गुड नाइट कहना चाहूंगा और जा रहा हूँ भाई डिनर पे, जा रहा हूँ बढ़िया, डिनर का फोटो डालूंगा, नहीं डिनर का नहीं डालना चाहिए, खाने पीने के फोटो नहीं डालते इतने, तो
मिलता हूँ, ठीक है? बहुत सारा प्यार, बहुत सारा जनता और जितने भी लोग हैं सबको बहुत सारा प्यार। आई लव यू ऑल। इसी तरह अपनी दुआओं और प्रार्थनाओं में याद रखना, एंटरटेनमेंट आता रहेगा और मैं लाइव डाल देता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ।